होंडा का जो WRV का फेसलिफ्ट मॉडल है उसे जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। पहले ऐसा बताया जा रहा था कि अप्रैल में इसे लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से इसके जो लॉन्चिंग है उसको थोड़ा सा टाल दिया गया है फिलहाल। तो आप लोगों को बता दूं कि इसके जो फेसलिफ्ट मॉडल है WRV का, वो अपनी डीलरशिप्स पर पहुंच गया है और इसकी कुछ हफ्ते पहले, लगभग एक हफ्ते पहले, कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी डीलरशिप से। तो ऐसा लग रहा है कि होंडा जो है अपनी जल्द ही फेसलिफ्ट मॉडल WRV को लॉन्च करने वाला है इंडियन मार्केट में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटोवेज पे। मेरा नाम है हर्षित और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फेसलिफ्ट मॉडल WRV के बारे में और आपको देने वाले हैं उसके बारे में सारी ही डिटेल्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस, लुक्स, सब कुछ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या फिर आपको इंटरेस्ट हो कार्स वगैरह में तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इसमें जो है आपको काफी मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे पिछली वाली WRV से, और जो कुछ मेन चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में अगर बता दूं आपको, तो वो होने वाले हैं इसमें मल्टीपल हॉरिजॉन्टल स्लेट्स के साथ नई फ्रंट ग्रिल होगी, LED DRLs के साथ नए LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प होंगे, रिवाइज फ्रंट बंपर, नए फॉग लैम्प हाउसिंग, सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट्स और स्मोक ट्रीटमेंट के साथ नए LED टेल लैम्प भी शामिल होंगे। तो ये जो सारे होने वाले हैं ये आपको मेन चेंजेस दिखने वाले हैं बाहर की तरफ से अगर बात करें तो WRV फेसलिफ्ट मॉडल में। अब इसके अगर इंटीरियर्स और फीचर्स के बारे में बताऊं तो इसका जो ओवरऑल लेआउट होगा, कैबिन लेआउट, वो ऑलमोस्ट सेम होगा पिछली वाली WRV से, और इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा जो कि सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को ही। तो एक तरीके से ये वाला जो फीचर हो चुका है, ये दो जिसमें एक जान वाला टाइप का फीचर हो चुका है, ये आपको हर गाड़ी में ही देखने को मिलता है। अभी जो क्रॉसओवर SUV होने वाली है ये आएगी इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ, डुअल फ्रंट एयरबैग्स के साथ, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, रियर पार्किंग कैमरा। तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे स्टैंडर्ड, और सेफ्टी के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा खास फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है होंडा ने फिलहाल इस नई WRV में सेफ्टी वाइज। तो अब अगर बात करें WRV फेसलिफ्ट मॉडल के इंजन के बारे में तो इसमें आपको BS6 कंप्लायंट पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जो पेट्रोल इंजन होगा वो 1.2 लीटर्स और डीजल इंजन जो होगा वो 1.5 लीटर्स का होगा, और इसी के साथ जो पेट्रोल इंजन होगा वो 89 BHP की पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, और जबकि जो डीजल इंजन है वो ऑलमोस्ट 99 BHP की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। एक चीज और बता दूं आपको WRV फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में कि इसके आपको हर वेरिएंट में 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स एज ए स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये जो WRV फेसलिफ्ट मॉडल है इसका जो सेगमेंट है वो सब कॉम्पैक्ट SUV वाला सेगमेंट होने वाला है, और अगर बात करें इसके कॉम्पिटिशन की तो इसमें इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा इस सेगमेंट में गाड़ियां हैं और इसको जो है WRV को बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में। तो अगर सीधे तौर पर मुकाबले की बात करें तो इसका सीधा मुकाबला होने वाला है सुजुकी विटारा ब्रेजा से, टाटा की नेक्सॉन से, ह्यूंडई वेन्यू से, फोर्ड इकोस्पोर्ट से और महिंद्रा की XUV 300 जैसी SUVs से। तो ओवरऑल दोस्तों इसको काफी कड़ा मुकाबला देखना पड़ेगा, और अगर होंडा अपने सेगमेंट में सबसे ऊपर आना चाहती है तो इसको बेहतरीन परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। इसमें फीचर्स अच्छे होने चाहिए, इंजन अच्छा होना चाहिए, लुक्स अच्छे होने चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसकी सर्विस वगैरह है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो फाइनली दोस्तों अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसके कंपटीशन को देखते हुए और इसके जो सेगमेंट है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसका प्राइस ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच में जरूर हो सकता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया WRV फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में, और जो WRV है वो अपने डीलरशिप्स तक पहुंच चुकी है और उसके बारे में आपको दी सारी डिटेल्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, सब कुछ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस SUV के बारे में, सब कॉम्पैक्ट SUV के बारे में, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इस SUV से रिलेटेड तो हमसे जरूर पूछिएगा, या फिर अगर किसी और भी गाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास तो वो हमसे जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक छोटी सी फिर से रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।